तो सबसे पहले समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा, ये चारों मूल्य है, चारों जो गुण है वह पूरे चारों गुण लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में हमें देखने को मिलते हैं और उनके जीवन में से यही चारों गुण को हमें हमारे जीवन में उतारना होगा। देश के प्रति सच्ची लगन, देश की सेवा करने की भावना, दूसरों की मदद करने की भावना, हमारे कर्तव्यों को पूरा करने में हमारी जिम्मेदारी क्या है, कर्तव्य के प्रति हम कितने निष्ठावान हैं, कर्म को हम ज्यादा महत्व देते हैं या नहीं, पुरुषार्थ कहना कुछ कर दिखाने की भावना अगर हमारे अंदर हो तो हम किसी भी परिस्थिति में से ऊपर उठने के लिए तैयार हो सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो गरीब परिवार एक साधारण परिवार में जन्म लिए हुए थे फिर भी वह देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, किस वजह से? तो ये जो चार गुण है वह सब चारों गुण लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में बंधे हुए थे। उन्होंने कर्म को ज्यादा महत्व दिया और अपने कर्तव्य को निभाया, तब जाकर वह एक गरीब सामान्य परिवार में से उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। तो हम बात कर रहे थे ऐसे ही कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र की, जिसमें हम बात कर रहे थे कि शास्त्री जी का जीवन संपूर्ण श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। शास्त्री जी का जो जीवन है वह श्रम, सादगी, और देश की सेवा और समर्पण की भावना का एक उदाहरण है, एक मिसाल है। उनके एक गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है। ये जो गुण है वह सिर्फ शास्त्री जी को आप अगर एक बार देख लेते तो भी आपको पता चल जाता। इतनी शांति, इतने श्रम की भावना, समर्पण की भावना, देश के प्रति एक लगाव, देश के लिए कुछ करना, देश की प्रजा के लिए कुछ करना, उनके व्यक्तित्व चरित्र को देखकर हमें पता चल जाता था। तो हमें एहसास हो जाता उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। उनका जो व्यक्तित्व था वह उनके विचारों से एक समन्वय बांधता था, एक सूत्रता बांधी हुई हमें दिखाई देती। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो बोलते थे वही करते थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जो बोलते थे वही करके दिखाते थे, उनकी कथनी और करनी एक समान थी, अंतर नहीं था। जो वे बोलते वही करते, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। जो कुछ भी करते थे मन में एक ही भाव, देश के लिए कुछ करना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, वही भाव मन में लेकर वह एक राष्ट्रभाव की भावना के साथ काम की शुरुआत करते थे और उस काम को पूरी लगन के साथ पूरा करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। उनका जो चरित्र था उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सेवा, राष्ट्र के प्रति दिल में भाव होना, कुछ करना है मेरे देश के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे देशवासियों के लिए, यही भाव मन में रखकर वह देश की सेवा करते रहे। प्रधानमंत्री के पद तक सिद्धि हासिल करने के बाद भी उनके कार्यों में कोई घटाव नहीं आया, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे। उनकी सच्ची ईमानदारी, देश के प्रति सेवा, समर्पण की भावना को देखकर देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया, उन पर विश्वास किया। उन्हें जाते हुए थे पंडित नेहरू की समृद्धि, राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर थे और उनकी मृत्यु के बाद कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री का हिस्सा पद संभाला और जिस तरह पंडित नेहरू
उन्होंने किया, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में भी है और शास्त्री जी ने ही अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। लोगों को एक विश्वास हो गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री को संभालने का जो जायदा जज्बा है वह सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री में दिखाई दे रहा है। लाल बहादुर शास्त्री के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ गया क्योंकि उनका चरित्र और दृढ़ संकल्प था, देश के प्रति एक समर्पण की भावना। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने थे। यहाँ पे बात की है एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद कठिनाइयों में से पसार होने के बाद देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना बात आसान नहीं थी, पर यह सब की किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसके कारण? उनके जीवन में एक गुण थे ना, उसके कारण। प्रधानमंत्री के पद के पहुंचने के बाद भी उनमें कोई घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं। उसी की बात यहाँ पर है, एक सामान्य इंसान की तरह वह प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे और कार्य करते रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। विनम्रता, नम्र स्वभाव, सादगीपूर्ण जीवन और एकदम सरल स्वभाव, ये तीनों गुणों के कारण उनकी एक विशिष्ट पहचान बनी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व गांधी जी बापू के करीब करीब देखने को मिला। और यह कहना भी होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही गांधी जी के व्यक्तित्व को देखकर ही उनसे प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पढ़ाई छोड़ी 1921 में। क्यों? गांधी जी से प्रभावित हुए। गांधी जी जो देश को आजाद कराने में कार्य करने में लगे थे, वही कार्य भी शास्त्री जी के मन में करने के लिए उत्पन्न हुए, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी ऐसे महान चिंतकों के व्यक्तित्व से परिचित होने के बाद अपने व्यक्तित्व को सुधारने में लगे, चाहे वो डॉक्टर भगवान दास हो या महात्मा गांधी, उनसे प्रभावित होकर देश के लिए कुछ करना है। ऐसे महान चिंतकों के जो आदर्श थे उस आदर्श को अपनाया लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जीवन में और लोगों को भी प्रेरित करते गए। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है। बाइबल यानी कि एक धर्म ग्रंथ, क्रिश्चियन धर्म का एक धर्म ग्रंथ जिसमें लिखा है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। जो लोग विनम्रता भाव अपने मन में रखते होंगे, जो विनम्र होंगे वही पृथ्वी के सच्चे वारिस होंगे, वही पृथ्वी के सच्ची संतानें होंगी, इनका स्वभाव विनम्र होगा, ऐसा धर्मग्रंथ बाइबल में भी लिखा है। और वही धर्मग्रंथ की पंक्ति शास्त्री जी के जीवन में लागू होती है। उनका स्वभाव विनम्र होने का स्वभाव जो था वह इस पंक्ति को पूर्ण करता है।
शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में देश को आजादी दिलाने की उस लड़ाई में भाग लिया। कब? तो जब वह विद्यार्थी थे और उनकी उम्र सिर्फ 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। गांधी जी ने कहा कि स्कूल की पढ़ाई छोड़ दो और देश के स्वतंत्र संग्राम में अपना एक हिस्सा, एक योगदान आप दीजिए। तो गांधी जी के इस आह्वान से, इस बात गांधी जी के बात कहने से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्र संग्राम में लग गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ में अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्य की ओर लगा रहा। लाल बहादुर शास्त्री है, उनका जो मन है वो हमेशा देश की आजादी की तरफ और देश की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ काम करना है, ऐसी भावना में लगा रहा। परिणाम यह हुआ, सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए जिसके वे जीवन भर सदस्य थे। लोक सेवा मंडल नाम का एक मंडल था जिसमें शामिल हुए लाल बहादुर शास्त्री और देश की सेवा में जुड़ गए और जीवन पर्यंत उस लोक सेवा मंडल के सदस्य भी रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार यानी कि जाति भेदभाव की जो भावना थी उसके लिए भी काम किया। धर्मनिरपेक्ष जाति भेदभाव की जो भावना देश में फैली हुई थी, ऊंच नीच का भेद, रंग भेद, जाति भेद जो भावना थी, नीचे जाति वालों के प्रति जो देश के जनता का एक नजरिया था उसे बदलने के लिए भी काम किया लाल बहादुर शास्त्री ने। तो उन्होंने नीच ऊंच के भेद को मिटाने में काम किया। यहां से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। वही से उनके जिंदगी में एक नया मोड़ आया, उनके जिंदगी ने एक नई शुरुआत की। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, 1930 में नानी कुछ सत्याग्रह हुआ, नमक तोड़ो आंदोलन जब हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। दांडी कूच सत्याग्रह 12 मार्च 1930 अहमदाबाद से शुरू होकर गुजरात के नवसारी के दांडी जिले तक पहुंचने में जो यात्रा थी उसका मुख्य उद्देश्य था देश में जो नमक के प्रति कानून बनाए गए थे, नमक एक सबसे हल्की और सस्ती चीज है जो सबको जरूरी है और उस पर अंग्रेज ने जो कानून बनाए वह कानून देश की प्रजा को पसंद नहीं थे, गांधी जी को पसंद नहीं थे, तो उन्होंने उस कानून को तोड़ने के लिए दांडी सत्याग्रह आंदोलन किया और उस सत्याग्रह में लाल बहादुर शास्त्री भी शामिल हुए और इसके परिणाम में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यहां से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। 1930 से उन्हें जो जेल यात्रा शुरू की वह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक चलती रही। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से निकालना, भारत को आजाद कराना। तो उस आंदोलन में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी, देश के प्रति उनकी भावना कैसी थी, देश को आजादी दिलानी है, यह हम जान सकते हैं कि उन्होंने 12 वर्ष तक जेल में अपना निवास किया, जेल काटी 12 वर्षों तक। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। किसान के लिए भी वह उतना ही सोचते थे।
किसान के लिए भी वह उतना ही सोचते थे। तो